तो भैया जी, बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉगिंग, और हम रास्ते में बताता है कहाँ जा रहे हैं। बराना है अपना गाड़ी पे, हवा का कमी हो गया क्योंकि बहुत दिन से नहीं चलाया हुआ था, तो हवा फुस हो चुका है, तो हवा भराना भैया। पहले देखो, अभी हम फिलहाल जा रहा है रेलवे स्टेशन, एंड रेलवे स्टेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग जाने का प्लान कर रहा है गोवा। तो हुआ ये कि गोवा जाने का प्लान बहुत पहले से था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फिर उस समय क्या है, अपना एग्ज़ाम का मसला था, एग्ज़ाम ऑफलाइन होने का बात था, फिर अचानक से ऑनलाइन कर दिया गया, तो फिर अचानक से फिर से प्लान बन गया कि चलो भाई जाना है अब, ठीक है। तो अरे भाई, और ये क्या सट्टा के ले गया भाई, गजब करता है यार, मतलब जाना क्या है इसको। खैर छोड़ो, तो हुआ ये कि कल हम लोग टिकट देखा है, ट्रेन से जाने का प्लान है क्योंकि मंदिर से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र का मज़ा होता है। तो ट्रेन का टिकट देखा है, तो ट्रेन का टिकट एक भी अवेलेबल भैया, इतना पैक है भैया, एक ट्रेन खाली नहीं है, तो उसके वजह से हम लोग को करना पड़ रहा है तत्काल। तो तत्काल के लिए हमको पहुँचना पड़ेगा स्टेशन पर। एक दोस्त है प्रकाश, वो भी इंद्रपुरी से, वो भी स्टेशन पहुंच रहा है। और भैया हम आपको बता दें कि इस ब्लॉग में ज़्यादातर कहानी बिछड़ा हुआ लग रहा है क्योंकि हम ब्लॉग करते करते कभी बैटरी ख़त्म हो जाता है, कभी कहीं कुछ और मसला हो जाता है, तो ब्लॉग कहीं भी एंड कर देने पड़ रहा है, तो इसीलिए ये कहानी है। तो हम सोचा कि आपको बता दें कि आपको ये ना लगे कि भैया कहाँ कहाँ से घुसेड़ दे रहे हो कहानी। चलो मिलते हैं सीधे स्टेशन पर। तो जी, हम पहुंच गए स्टेशन और मेरे साथ है प्रकाश। देखो, गोवा अगर हम लोग पहुंच गए ना, अगर टिकट मिल गया, वैसे तो तत्काल का टाइम चला जा चुका है, तो गोवा में दो ही चीज दिखेगा पूरा ब्लॉग में, एक तो खुद गोवा, दूसरा तो प्रकाश, बस प्रकाश दिखेगा। टिकट मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो भी चलेंगे। कैसे, रिक्शा से जाएंगे? बट जाएंगे जरूर। देखो यही कहानी है, अभी टिकट मिल जाए तो सही है, अगर ना मिले तो भी जाना तो पड़ेगा, लेने भाई, ठीक है जी। तो अभी टिकट हम लोग को टिकट ले लिया, मतलब कुछ कुछ वेटिंग में चल रहा है, 40 लोग 45 लोग अगर कैंसिल कर देते तो कल का मिल जाएगा अपने को। तो यही कहानी है, अगर देखो कल तक अगर मिल जाता है सीट तो गो, वी आर कमिंग, इधर चलते इधर जाना। तो जी कहानी है कि अभी फिलहाल हम लोग है, फिर से भूल गया क्या था, कैफे पोजिशन में, और यहाँ पे इवेंट है दोस्त का, तो हेल्प करने देखने आए हैं, तो आगे क्या होगा वो हमको नहीं पता। ओके, एंड ये देखो, ये बंदा आया है हजार हजारों किलोमीटर पार करके एग्ज़ाम देने के लिए, जबकि एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन। एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल करा दिया, डिले करवा दिया, आया फोकट का। इसका नाम शिवम है। यहाँ पे आकर तो मतलब बहुत बुरा लगा, लेकिन एक बात ही खुशी है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है, मार्क्स अच्छे आएंगे, और पुलिस स्टेशन लोगों ने गंदे हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आराम से रूम पर बैठिए, नेट लीजिए, एग्ज़ाम लीजिए। तो भैया अभी होने वाला है शुरू प्रोग्राम, जिस चीज के लिए हम लोग आया था। तो भैया जी, अंदर अभी भी इवेंट चल रहा है और मेरा कैमरा पूरा कब्जा कर लिया इसका इवेंट, तो कैमरा से तो नहीं हो पा रहा है, गोप्रो से, जितना आगे का होगा गोप्रो से होगा। 12 बजे शुरू किया था, 41 मिनट्स हो गया, अभी कितना घंटा तक चलेगा, अब और 2 घंटा तक चलेगा ऐसा पता लग रहा है। हमने लिया हो गया। तो भैया जी, आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आज बता दे किस किस का क्या क्या रोल था। ये जो शिवम है, ये था आज का जज, था जज। सत्यम क्या हो गया, बीच में मेरा कैमरा बैटरी डेड हो गया, तो सत्यम को कैमरामैन बनना पड़ा आज दिन भर, और इवेंट मैनेजर जो है। हाँ जी भैया जी। तो भैया ऐसा है कि अभी हो चुका है शाम का 8:04, एंड अभी हम जा रहे हैं, पीछे का जो ये मस्किनो नेट और बेड का जो हालत है उसको गौर ना करे, मेरे बात पर गौर करे। ओके, तो हम जा रहे हैं सत्यम के बर्थडे पे, एंड एक्चुअली कैमरा हम आज भी नहीं उठाने वाला था, लेकिन सत्यम बोला कि भाई आज बर्थडे वर्थडे है, फोटो वोटो किया जाएगा, तो हम सोचे फोटो के संग ही क्यों ना वीडियो भी हो जाए। तो चलो, वीडियो के चक्कर में सब लाइट तो ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर अंधेरा कायम, तो एक लाइट ऑन ही रहने देगा, एंड कल सुबह हम रूम आएगा, तो लेट इट बी। चलो
कहाँ हो? तो who's ever don't know him, don't recognize him, he is सत्यम गुप्ता. ठीक है अब मेरा मतलब क्या है? एक्चुअली ये टेक टू है, ये बोला दोबारा ले, अच्छा नहीं लगा पता लगा टेक में.